गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन इन करियर इन 3D क्लासेस। माई सेल्फ इज अविनाश शर्मा। तो बच्चों, आज हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं। चलिए, सब लोग रेडी हो गए। जैसा कि आपको पता होगा कि 12 सितंबर नीट की डेट आ चुकी है बेटा, इसलिए बिल्कुल अब लापरवाही नहीं करिए, लगातार क्विज करिए, पढ़ाई करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को बताइए, और अब कोचिंगें भी ऑफलाइन खुल रही हैं तो आ करके मैनुअली आप पूछ सकते हैं हम लोगों से, ठीक है। चले बेटा, आज का क्विज स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। विच एंजाइम फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म थ्रू द जोना पेलुसिडा? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो कि पेनिट्रेशन ऑफ मतलब स्पर्म का कौन सा ऐसा एंजाइम है जो जोना पेलुसिडा ऑफ ओवा को नष्ट करता है? बिल्कुल सही है, एक्रोसिन। एक्रोसिन को जोना लाइसिन भी कहते हैं। वेरी गुड। एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म हैज एनालॉगी विद? एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म हैज एनालॉगी विद? एंडियोस्पर्म जो होता है एंजियोस्पर्म का, वो एनालॉगी शो करता है किसके अकॉर्डिंग? एनालॉगी का मतलब हो गया फंक्शन सेम, ऑरिजिन डिफरेंट। तो बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई करिए। चाहिए पेरी स्पर्म ऑफ ब्लैक पेपर, बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। वेरी गुड। इन स्वीट पी फ्लावर कलर इज ड्यू टू द नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। ए प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल बी विल हैव विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन? आपको हिंट दे दूँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन पर बेस्ड है। थोड़ा सा हिंट दे दूँ, कॉम्प्लीमेंट्री जीन पर बेस्ड है जिसका रेशियो आता है 9:7। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए पूछ लिया। इसमें देखिए ए जीन है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कैपिटल बी नहीं है, इसलिए फ्लावर का कलर वाइट होगा, ठीक है। और देखो, रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द क्रोमोजन कॉम्प्लीमेंट्री जीन के लिए सही है। क्रोमोजन इज नॉट सिंथेसाइज, वाइट वाले केस में क्रोमोजन नहीं बनेगा। क्रॉसिंग विद द दिस विल प्रोड्यूस ऑल पर्पल फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग। तो सारे से होंगे, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला, यानी कि ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट सी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेरी गुड। 3 का 4 दे दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। चलिए करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए जल्दी से। डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू फ्रॉम द इंडिविजुअल सो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एनसीईआरटी की लाइन है, चेक करिए। मेथोडोलॉजी ऑफ एचजीपी इन्वॉल्व्स ओनली वन मेजर अप्रोच सीक्वेंसिंग एंटायर डीएनए ऑफ जीनोम। एक मेजर की दो मेजर, फिर वाई, फिर ए, बिल्कुल सही है। 4 का 2, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, वेरी गुड। 5 का आइए। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच ढूंढना है बेटा। ओकरा पूसा सावनी, कॉलीफ्लावर पूसा A4, फ्लैट बीन पूसा सेम 3, ब्रैसिका पूसा गौरव। इसमें इनकरेक्ट देखते ही समझ में आ जाएगा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ए फॉर एवल मॉस्कस एस्कुलेंटस, यानी भिंडी की प्रजाति है, कॉलीफ्लावर की नहीं होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अंशिका, क्रांति, दीपाली, मंतसा, वेरी गुड बेटा। इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है
इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ये भी देखते ही समझ में आ जाएगा कि इनकरेक्ट कौन सा है। चलिए बेटा जल्दी करिए, देखो कॉपर टी तो कॉपर बेस्ड है ना, हार्मोनल बेस्ड तो होगी नहीं, 4 हो जाएगा। वेरी गुड, इस फिगर को देख करके बताना है कि ए बी और सी, ए बी और सी क्या है। देखो सी ये पिंक वाली लाइन को शो किया गया है, ए ये ग्रीन वाली लाइन को शो किया गया है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, 7/2 होगा। जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडियाटा और पेरिबिट लाइन, इस पे एसएनसीआरटी की का फिगर है। वेरी गुड वेरी गुड, अंशिका ने सही जवाब दिया इसका। व्हाट अबाउट द कोकोनट वाटर ऑफ द टेंडर कोकोनट, मतलब टेंडर का मतलब होता है ताज़ा और हरा, ताज़ा और हरा जो कोकोनट होता है उसमें जो कोकोनट वाटर है उसके लिए क्या सही है। इट इज़ लिक्विड एंडोस्पर्म, इट इज़ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एट मैच्योरिटी इट बिकम सेलुलर की ऑल ऑफ देम। वेरी गुड ऑल ऑफ देम, वेरी गुड वेरी गुड, सही है, बहुत सही जवाब। इन द फैमिली टू पेरेंट्स आर कैरीड फॉर द एल्बिनिज्म एंड बोथ हैव द ब्लड ग्रुप ए बी, विच वॉट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल एंड टाइप ए ब्लड ग्रुप चाइल्ड चिल्ड्रेन। दो पेरेंट हैं, एक कैरियर है एल्बिनिज्म के लिए और दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है। व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉर्मल एंड टाइप ऑफ ए ब्लड ग्रुप इन चाइल्ड। बाकी लोग भी जवाब दीजिए तब मैं बताता हूँ। हाँ वेरी गुड, 1/16 आएगा, बिल्कुल सही जवाब है, 1/16 आ रहा है आप लोगों का। अंशिका, विशाल, दीपाली, एलिजा, करेक्ट है बेटा। राम प्रकाश, कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट यानी एरिथ्रोजाइलॉन कोका नेटिव टू, ये कहाँ का नेटिव है। एनसीईआरटी की लाइन है, जल्दी से देखिए और रिप्लाई करिए। बिल्कुल सही है, साउथ अमेरिका का। वेरी गुड बेटा। एटलस 66 इज द वैरायटी ऑफ वीट विद हाई, एटलस 66 में सबसे ज़्यादा क्या है, एटलस 66 में सबसे ज़्यादा क्या होगा। हाँ प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा, बिल्कुल सही, इसीलिए ये डोनर की तरह काम करता है और ये वीट की वैरायटी है, यू नो वेल, एनसीईआरटी की लाइन है। द प्रेगनेंसी टेस्ट बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ विच हार्मोन, प्रेगनेंसी टेस्ट जो करते हैं जैसे कोई किट टेस्ट करते हैं तो वो किस पर बेस्ड होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट किस पर बेस्ड होता है, मतलब हम लोग यूरिन से, यूरिन सैंपल से करते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है और ये केवल प्रेगनेंसी के समय निकलेगा। आप जानते हो प्रोजेस्टेरोन तो नॉर्मली निकलता है, एस्ट्रोजन भी नॉर्मली निकलता है, इनेबिन भी नॉर्मली निकलता है, तो एससीजी भी इज बेटर। रेट ऑफ क्लीवेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट इन द एग, लॉ इज गिवन बाय, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है आपके लिए लेकिन इसलिए पूछ लिया, कभी कभी पूछा जाता है कि जो क्लीवेज होता है जितना क्लीवेज का रेट उतना ज़्यादा होगा जितना अमाउंट ऑफ योक कम होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये लॉ किसने दिया था अगर आपको पता हो। वॉन बेयर तो ने तो नहीं दिया, वॉन सेच का लॉ है नहीं। हाँ बताए देता हूँ, वाल्फोर्स लॉ, ये वाल्फोर्स लॉ है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए याद रखिएगा वाल्फोर्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजियोस्पर्म एंड चूज दैट हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। राइट विशाल, शायद दिया बट आपने करेक्ट दे दिया।
और तीन क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करिए, लेट मी नो। एंजियोस्पर्म के लिए कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये ढूंढना है आपको, इधर से छांटना है। जल्दी पढ़ के जवाब दीजिए। प्रोटीन का अजीबो गरीब क्या है, नेक्टर रॉबर आपने पढ़ा ही है, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लाइड होता है और डाई कैरियोटिक न्यूक्लियस तो कहा नहीं जाएगा, डाई कैरियोटिक न्यूक्लियस कहा जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बिल्कुल सही जवाब। ये पिटिगरी देखनी है और बताना है आपको, ये पिटिगरी देख करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सी पिटिगरी है। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूं आप लोगों से। अच्छा बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ये देखो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस चल रहा है, मेल से बेटियों में जा रहा है और बेटियां कैरियर हैं, फीमेल से बेटों में जाता, तो बेटे हैं नहीं यहाँ पे कोई भी अफेक्टेड, बिल्कुल सही है। इन सस्पेंशन कल्चर द मीडियम कंटेन, इन सस्पेंशन कल्चर द मीडियम कंटेन, जो हम लोग सस्पेंशन कल्चर करते हैं यानी किसी चीज़ को अगर हम टिश्यू कल्चर में ग्रो कराते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, ये जवाब दीजिए। क्या होगा करेक्ट, जल्दी से। हाँ, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन होना चाहिए, अब नहीं है तो 2,4-D कर दो, 2,4-D, और ये 2,4-AD होता ही नहीं कुछ, 2,4-AD कुछ नहीं होता, ये कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है, ठीक है। BAP यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे ABA यूज़ नहीं कर सकते, तो 2,4-D सबसे ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ किया जाता है, इसलिए हो जाएगा फर्स्ट। एमंग द फॉलोइंग हाउ मैनी ऑर्गेनिज्म आर मार्सुपियल्स प्रेजेंट इन द ऑस्ट्रेलिया, कितने ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है ये आपको बताना है, निम्नलिखित में से कितने ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। जो ऑप्शन में होगा वही तो चूज किया जाएगा भाई। अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर मार्सुपियल्स प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया, हाँ इसका हो जाएगा 2, 17 का हो जाएगा 2, चार हैं इसमें से, बिल्कुल सही है। फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर, फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, सही है एलिजा, दीपाली, विशाल, अंशिका, राम प्रकाश, मुस्कान, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर ऑफ नो सिग्निफिकेंस इन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का सिग्निफिकेंस किसमें नहीं है, सोचिए
सोच के जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आउटबिडिंग डिवाइसेस से किसको फ़ायदा नहीं है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, कॉमेलिना, क्योंकि ये तो इसमें पता है क्लिस्टोगैमी होती है, क्लिस्टोगैमी होती तो आउटबिडिंग डिवाइस फेल हो जाएगी। इन विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सीड जर्मिनेशन? नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सा फैक्टर नहीं चाहिए? बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता है, एंजाइम चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, यू नो वेल। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द कॉलम एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। चलिए इसको मैच कराइए, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री को, इसमें मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, आराम से मैच करा लीजिए, फिर बताइए। चलिए बेटा जल्दी से बताइए। देखो लीडिंग सेल जो होता है इंटरस्टिशियल सेल से मैच करेगा और यहाँ से टेस्टोस्ट्रॉन निकलता है, तो ए का हो गया बी और बी का हो गया फाइव। अब ये पहले वाले में भी आ रहा है और चौथे वाले में भी आ रहा है, दूसरा चेक करते हैं। प्रिमॉर्डियल जर्म सेल्स, प्रिमॉर्डियल जर्म सेल्स जो होती है, ठीक है, यानी कि बी वाला, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडम, ये मैच होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडम से और ये मैच हो जाएगा अप टू प्यूबर्टी नो डेवलपमेंट, ठीक है, ये सॉरी, ये इससे मैच हो जाएगा ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी बी का ए और थर्ड, सी का सी से मैच हो रहा है ये देखो, और उसके बाद फिर ये सेकेंड से मैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सार्टोली सेल नर्स सेल है और यहाँ से एबीपी निकलता है, ये इससे मैच हो जाएगा, यानी फर्स्ट सही होगा। और 21 का फर्स्ट दिया है कई लोगों ने, लेकिन फर्स्ट और फोर में कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो गया आप लोगों को, क्योंकि पहला ही देखा आप लोगों ने, टिक कर दिया, सारे मैच कराओ भाई। चलिए आगे देखते हैं। इन द लिस्ट गिवेन बिलो हाउ मैनी सीड्स आर एल्ब्यूमिनस, कितने सीड्स एल्ब्यूमिनस होंगे? एल्ब्यूमिनस यानी जिनके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाएगा। पहले तो मोनोकॉर्ड वाले छांट लो, फिर देखो कोई डाईकॉर्ड का एक्सेप्शन तो नहीं है, और मोनोकॉर्ड में भी कुछ अपवाद है, ध्यान करो, मोनोकॉर्ड में भी एक एक्सेप्शन है। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब आया, 22 का टू, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अंशिका, मुस्कान, एलिजा, सही दिया आप लोगों ने, सही है बेटा, सही है, बिल्कुल करेक्ट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट इज फॉर्म्ड बाई, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड कोट होता है वो कैसे फॉर्म्ड होगा? भाई ओव्यूल से सीड बनता है, तो ओव्यूल की कवरिंग से बनेगा। अब ओव्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट, आउटर टेस्टा, इनर इंटेगुमेंट, बिल्कुल सही, 23 का 3 दिया है। लैक ओपरॉन इन प्रोकैरियोट्स,
इज रेगुलेटेड बाय निगेटिवली, इज रेगुलेटेड बाय निगेटिवली या इज इंड्यूसिबल ओपरॉन, कैन नॉट बी रेगुलेटेड पॉजिटिवली, क्या सही होगा जरा देखिए। बिल्कुल सही है, फर्स्ट होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अंशिका, रोली, क्रांति, मुस्कान, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एलिजा, विशाल, नीतू, वंतसा, वेरी गुड वेरी गुड। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है आप लोगों को इनमें से, देखिए और बताइए, देखते ही समझ में आ जाएगा, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ लिखा लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, लाइगेशन के बाद ऑफ लिखा है, ऑफ यहाँ लिख देता हूँ। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। एक से ज़्यादा अगर रिकॉग्निशन साइट होगी तो उसके फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे और फिर हमारी जो जीन क्लोनिंग है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी 12th का लाइन है बायोटेक्नोलॉजी का। ए सिंड्रोम इन द मेल पेशेंट आइडेंटिफाइड बाय द साइन लाइक शॉर्ट स्टेचर, उसका हाइट शॉर्ट है, हाइपोगोनेडिज्म यानी गोनेड्स कम डेवलप है, मेंटली रिटार्डेड है और पिक्यूलियर अदर फेशियल फीचर है, तो ये कौन सा हो सकता है और इसमें कितनी बार बॉडीज होंगी, देख के बताइए। हिंट मिला, ये किसके बारे में बोल रहा है? हाँ बताइए, सिंड्रोम कौन सा है? आंसर तो सही दिया आप लोगों ने कि सेकंड होगा, सिंड्रोम कौन सा, क्या पहचाना आपने, बिल्कुल सही है, सिंड्रोम का नाम बताइए। चलो बेटा, सिंड्रोम का नाम हमें लिख के भेजिए। सही है, बिल्कुल सही, डाउन सिंड्रोम। कुछ लोग क्लीन फेल्टर लिख रहे हैं, क्लीन फेल्टर नहीं होगा बेटा, क्लीन फेल्टर में तो हाइट ज़्यादा हो जाती है, डाउन डाउन, हाइट छोटी है ना और फेशियल करेक्टर भी है। विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल बी कीपिंग, बिल्कुल सही है, 27 का आंसर आ गया है। बिल्कुल सही है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, नॉलेज होनी चाहिए, सूटेबल लोकेशन पता होना चाहिए, कैचिंग और हाइविंग का पता होना चाहिए, मैनेजमेंट इन डिफरेंट सीजन, एनसीईआरटी की सारी लाइनें हैं, आपने देखा होगा। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सेलेक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, ये भी करेक्ट है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ नेवर कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, नेवर कोरिलेट कि ऑफन कोरिलेट, तो थर्ड हो जाएगा बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। मंतसा, अंशिका, आनंद, एलिजा, विशाल, मनोज, क्रांति, मुस्कान, रोली। विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द स्क्रोटल वॉल, स्क्रोटल वॉल में कौन सा नहीं होता? ये मसल है, क्रिमास्टिक मसल होती है, ये होती है, चलो मैंने हिंट दे दिया, पढ़ोगे खुद ही समझ में आएगा, एलिमिनेशन से करिए।
हाँ, स्क्रोटल वॉल में ट्यूनिकल विजिनिया नहीं होती है, तो टेस्टिस के चारों तरफ होती है। ये तो टेस्टिस के चारों तरफ की जो कवरिंग थी वो है बेटा, इसलिए बिल्कुल सही है, ट्यूनिका एल्बिजिनिया। पॉली एम्ब्रियोनी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैनी। पॉली एम्ब्रियोनी ज़्यादा, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या हो गया? साफ साफ दिख रहा है क्या बनेगा? पॉली मतलब ढेर सारा, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो बन जाएगा, ढेर सारा एम्ब्रियो बन जाएगा। बिल्कुल सही है। ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, जो कुछ हिस्सा इनका होमोलोगस होता है और कुछ हिस्सा इनका नॉन होमोलोगस होता है, ठीक है, ये आपको पता है। और उसमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। जैसे जी जी सेम सेम है तो होमोजाइगस हो जाएगा, एम स्मॉल एम हेटरोजाइगस दिख रहा है, ठीक है, हिंट दे दिया मैंने, अब आप बताओ। हाँ ये सही है। और पी जो है, पी हेमीजाइगस है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हेमीजाइगस होगा, एक पे प्रेजेंट है दूसरे प्रेजेंट नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, सबने सही दे दिया है। अब इसमें ए फिनाइल एनिलिन, बी ग्लाइसिन और सी स्टॉप कोडॉन, तो क्या लिखा हुआ है? ए बी सी को करेक्ट आपको कैटेगराइज करना है, कौन सी कैटेगरी सही दी हुई है। मतलब फिनाइल एनिलिन को ये तीनों सेलेक्ट करेंगे, ये कोड करेक्ट करेंगे, ग्लाइसिन को ये करेंगे, स्टॉप कोडॉन कौन से हैं, ये देख के बताना है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अंशिका ने जवाब दे दिया। वेरी गुड बेटा वेरी गुड, 32 का 2 होगा, बिल्कुल सही। ध्यान से अगर आप लोग ने पढ़ा है ना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। विच ऑफ फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर इज नॉट रिलेटेड टू नॉन डिसजंक्शन, कौन सा नॉन डिसजंक्शन से संबंधित है? नहीं, नॉट रिलेटेड है ना, कौन सा संबंधित नहीं है, जो नॉन डिसजंक्शन का परिणाम नहीं है। टाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, कैट टू कैट क्राई सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। बिल्कुल, कैट क्राई सिंड्रोम जो होता है ये डिलीशन का एग्जाम्पल है, कैट क्राई सिंड्रोम नहीं होगा। वेरी गुड मुस्कान, अंशिका, आनंद, एलिजा, विशाल, रोली, प्रेम, मनोज, ज्योति, करेक्ट बेटा करेक्ट, सबका करेक्ट। विच लेयर ऑफ यूट्रस अंडरगो साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मेंसुरल साइकिल, साइक्लिकल चेंज किस में होता है? एनसीईआरटी की लाइन है, तुरंत आप बता दोगे मुझे पता है। लेट मी नो, बिल्कुल सही बेटा, एंडोमेट्रियम में लगातार चेंज होता रहता है। अब देखो 35 क्वेश्चन में फीनोटाइप, जीनोटाइप और फीनोटाइप, ये दो दिया हुआ है। अब इसमें देख के पहचानना है कि कौन सा क्या दिया है। देखो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, कैपिटल टी, कैपिटल टी दोनों की हाइट 50-50 है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये 35 आ गई, 20 आ गई, यहाँ पे 50 है अभी भी और ये 20 है, यानी ये तो ठीक है। यहाँ से आपको हिंट मिलेगा, इस जगह से हिंट मिल रहा है आपको, देखो क्या होगा। देखो है तो मोनोजेनेटिक, पहली बात तो पॉली वाले कैंसिल हो जाएंगे, पॉलीजेनिक तो है नहीं कोई, तो पॉली वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब बचा ये तीन ऑप्शन, अब देखो मोनोजेनेटिक, क्वांटिटेटिव, मोनोजेनेटिक, क्वालिटेटिव। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, मोनोजेनेटिक,
क्वांटिटेटिव, देखो यहाँ क्वांटिटी ऑफ कैपिटल टी कम हुई तो यहाँ पे हाइट भी कम हुई, यहाँ क्वांटिटी पर फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हो जाएगी क्वालिटेटिव, आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। वेरी गुड वेरी गुड, विशाल, अंशिका, एलिजा, ज्योति, मुस्कान, क्रांति, सबने सही दिया। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। पढ़ लीजिए और फिर बताइए। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। रिमूवल ऑफ 5-फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द साइटिडाइलिक एसिड इल टू साइटिडीन। आपको यहाँ से हिंट मिल रहा होगा, ये न्यूक्लियोटाइड था बेटा, और न्यूक्लियोटाइड से अगर हम लोग वो निकाल देंगे अगर फास्फेट, तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, और डीन और सीन लगाते हैं बेटा, अब डीन और सीन लगाते हैं तो अपना चौथा ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। विशाल, अंशिका, क्रांति, मुस्कान, एलिजा, रोली। हाँ राइट बेटा राइट, अंशिका न्यूक्लियोसाइड आपने लिखा है, बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, तभी तो उसमें हम लोग सीन और डीन आगे जोड़ते हैं, और जबकि न्यूक्लियोटाइड होता है तो नाइलिक और डाइलिक एसिड जोड़ते थे। ठीक है, 37, ABCD छांटना है। इस फिगर में आपके NCERT का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से मलेरिया वाला फिगर है, इसमें आपको ABCD छांटना है। चलिए बेटा जल्दी करिए। ए तो साफ दिख रहा है कि स्पोरोजॉइट्स है, तभी तो काटने के बाद ये हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे, बाकी आप छांटो। बी भी दिख रहा है कि बी लीवर है, चलो इतना हिंट मैंने दे दिया, अब सी और डी छांट लो, काम खत्म। और सी भी दिख रहा है कि ये है क्या, बिल्कुल सही बेटा, स्पोरोजॉइट्स, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड और गेमिटोसाइट्स। वेरी गुड वेरी गुड। विच टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस अकर्स इन हनी बी। हनी बी में किस टाइप की पार्थिनोजेनेसिस होती है। देखो पार्थिनोजेनेसिस के दौरान मेल बनता है, और जब पार्थिनोजेनेसिस के दौरान मेल बने तब मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, तो इसे आर्गिनोटोकी कहते हैं। अगर मेल बने पार्थिनोजेनेसिस से तो आर्गिनोटोकी, अगर फीमेल बने तो थैलीटोकी, और अगर दोनों सेक्स बन जाए तो फिर बोलते हैं एम्फीटोकी। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड वाला, हालांकि इसमें फीमेल वगैरह बनती नहीं, इसलिए ये थैलीटोकी और एम्फीटोकी होगी नहीं, बोथ वन एंड टू ऑप्शन हो नहीं सकता, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। फिनोमिना ऑफ इंडस्ट्रियल मिलानिस डिमोस्ट्रेट, फिनोमिना ऑफ इंडस्ट्रियल मिलानिस क्या डिमोस्ट्रेट करता है। बिल्कुल सही बेटा बिल्कुल सही है, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन को डिमोस्ट्रेट करता है। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द एम्ब्रियोनिक सेल फॉर्म द जर्मिनल लेयर बाय मूवमेंट, मतलब किसमें मार्फोजेनिक मूवमेंट देखा जाता है, मार्फोजेनिक मूवमेंट होता है मतलब सेल इधर से उधर एडजस्ट होती है, थोड़ा सा सोचोगे पता चल जाएगा। मारूला हो नहीं सकता, सॉलिड बॉल लाइक होगा, ब्लास्टुला में कोई स्टेजेस होते नहीं है, जाइगोट में होगा नहीं, क्या बचा, गैस्टुला, गैस्टुला में मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है। ठीक है, और सबसे डायनेमिक फेज यही होती है, सबसे डायनेमिक फेज गैस्ट्रुला ही होती है। रीड द करेक्ट स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट पढ़ने और उसमें से हमको करेक्ट चूज कर लेना है। इन ऑप्शंस में सब किस में करेक्ट आएगा। सीड डोरमेंसी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोरिंग द सीड एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ फूड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ न्यू क्रॉप। ग्रेप्स एंड बनाना आर द नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। सेंट्रल सेल इज सिचुएटेड अबव द एग एपरेटस इन एम्ब्रियोनिक सैक, एम्ब्रियो सैक, एंडोस्पर्म डेवलप्स प्रोसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। सेकंड होगा ए बी और डी। बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। अंशिका, आनंद, मुस्कान, हाँ आप लोगों ने सही जवाब दिया। नहीं, वन नहीं होगा बेटा, ए सी डी नहीं होगा, ए बी डी होगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। थोड़ा सा क्वेश्चन को ब्रॉड करके से चलिए। हाँ बिल्कुल सही लिखा है अंशिका ने कि बिलो दाया गया एपरेटस हो रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ देखो एबव लिखा हुआ है, ये बिलो होगा, बिलो। छोटा छोटा सा बात ध्यान दीजिए। विशाल, आंसर मिल गया होगा आपको। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? बिल्कुल सही बेटा, डोमिनेंट F2 है तो मतलब समझ जाओ वो हाइब्रिड होगा, और रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दो तो आंसर हो जाएगा थर्ड। इससे पता चल जाएगा कि जो ऑफस्प्रिंग है वो होमोजाइगस है कि हेटरोजाइगस। वेरी गुड वेरी गुड। विशाल, अंशिका, राम, एलिजा, मुस्कान, रोली, क्रांति, सबने सही दिया है। विच वन इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? वेल फॉर द डीएनए सैंपल लोडिंग एंड मेड ऑफ द एनोड एट एनोड, या लार्जेस्ट बैंड इज द डीएनए एनोड से लोडिंग करते हैं बेटा, कि एनोड की तरफ जाता है? ध्यान दो। स्मॉलेस्ट बैंड ऑफ डीएनए लाई नियर टू द एनोड। इनकरेक्ट पूछा है बेटा, इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट पूछा है तो देखो ये एनोड वाला इनकरेक्ट हो गया। ये तो सही है, स्मॉल बैंड ऑफ डीएनए लाई नियर टू द एनोड, ये सही है। लार्जेस्ट बैंड जो होता है अवे फ्रॉम द एनोड होगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत थी, इसलिए ऑप्शन होगा फर्स्ट। हाँ सही है। एब्डोमिनल स्पाज्म, वॉमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, देखते ही समझ गए होंगे किसके फीचर हैं। ये बहुत सारे हिंट दे दिए हैं। एब्डोमिनल स्पाज्म है, वॉमिटिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लॉकेज हो गया। समझ में आ गया होगा कि किसकी वजह से हो रहा है। कॉमन राउंड वॉर्म। विच ऑफ फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैटेगराइज अंडर हार्मोनल मेथड? हार्मोनल मेथड में कौन सा आएगा? कितने आएंगे? हाँ एस्केरिस को ही कॉमन राउंड वर्म बोलते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ये भी बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा वाला मेथड है। नाम लिख के भेजिए नाम, फिर मैं बताता हूँ। 45 का वन दे दिया, सही है, लेकिन नाम लिख के भेजिए कौन सा वाला मेथड है। रिप्लाई करिए नेम। बताइए, लैक्टेशनल एमिनोरिया कुछ लोगों ने जवाब दिया है। सही है, बिल्कुल सही है, सही है बेटा, सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ए पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम द सरफेस एंड ए काइंड ऑफ सुगर इज कंट्रोल्ड बाय जीन, द जीन आई हैज 3 एलील, यानी बी उस एलील के बारे में भर। आई ए आई बी प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंट सुगर, वाइल आई नॉट, ये आई स्मॉल आई मतलब आई नॉट प्रोड्यूस
एनी सी सुअर। चूज द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी। ए बी सी क्या है इसमें से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। उसके ऊपर किसका पॉलीमर होता है, पहली बात तो ये भरना है, प्रोटीन का कि सुगर का? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, यही सो ये जवाब भी सही दिया कि सहेली जो है वो हार्मोनल इसलिए नहीं हो सकता, नॉन स्टेराइडल प्रिपरेशन से तैयार की गई है। सेंट क्रोमैन नाम का एक केमिकल था जिससे तैयार की गई सीडीआरआई में। सीडीआरआई। कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट। हाँ इसका फोर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वन ओनली, जिसमें सारे करेक्ट आ रहे हैं। ये देखिए और बताइए, एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन है। कोडॉन इज रीड इन एमआरएनए इन कंटिन्यूअस फैशन। बताओ बेटा, सही है। यूएजी कोडॉन इज द डुअल फंक्शन। यूएजी की एयूजी गलत हो गया। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द टी आर एन इज द कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल शेप। इन्वर्टेड एल शेप हो सकता है। 28 आर आर एन ए इन द बैक्टीरिया। बेटा 23 होता है ये, हम लोगों में होता है, तो ये गलत हो गया। ए एन सी थ्री कैसे होगा बेटा? कोडन ये पहला सही है, दूसरा ये ए यू जी डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, स्टॉप कोडॉन कैसे कर लेगा? फिर यहाँ एक्चुअल स्ट्रक्चर टी आर एन ए का एल शेप होता है, ये ठीक है। 20 sRNA नहीं, 23 sRNA बिहेवियर एनसीईआरटी की लाइन है, आप चेक करना। तो ए और सी ही तो करेक्ट हुआ, एम आई राइट? सब लोग दिए हो थ्री 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 थ्री। हाँ कुछ लोगों ने सही भी दिया है, वेरी गुड। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर द आरएनए टेक्नोलॉजी। आरएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सबने दे दिया इसका सही जवाब। विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर ए लैग पीरियड। एक्टिव इम्यूनिटी इज वेरी इफेक्टिव इन द इम्यूनो डेफिशियंट होस्ट। या पैसिव इम्यूनिटी इज यूज टू ट्रीटमेंट द इन्फेक्शन। नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज प्रेजेंट बाय द पैसिव इम्यूनिटी। कौन सा फॉल्स है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 49 का, सोच के जवाब दीजिएगा। सोच के जवाब दीजिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी कम ऑन एवरीवन, लेट मी नो। ये तो करेक्ट हुआ ना बेटा, नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज फॉर्म्ड बाय द पैसिव इन इम्यूनो डेफिशियंट होस्ट। जिसके अंदर इम्यूनिटी ही नहीं है उसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी कैसे इफेक्टिव हो जाएगी? जैसे स्किड का केस देख लो, स्किड का केस में देख लो क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, कैसे एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी? तो इसका 49 का टू हो जाएगा। दीपाली ने सही दिया बेटा इसका, दीपाली और आनंद साहू। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ध्यान से पढ़ के तब आंसर करिए। विच टाइप ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल क्वांटिटी ऑफ द टू डिफरेंट ब्रीड ऑफ टू बी कंबाइंड।
दो डिफरेंट ब्रीड को हमें कंबाइन करना है और डिजायरेबल क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्ट लेना है। दो डिफरेंट ब्रीड को हमें कराना है क्रॉस। जल्दी कम ऑन एवरीवन। बिल्कुल सही बेटा, 50 का 4 हो जाएगा। क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो ठीक है। चलिए क्रॉस ब्रीडिंग बिल्कुल सही जवाब दिया है। अंशिका, आनंद, विशाल, रोली, मनोज, एलिजा, राम प्रकाश, क्रांति, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो चलिए आज का क्विज हमारा फिक्स होता है। जो जो टॉपिक आपको टफ लग रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इस मोबाइल नंबर पे, जो आपका मोबाइल नंबर है 9452668737, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए टॉपिक, तो मैं वो आपको शाम के बैच में यूट्यूब चैनल पे पूरा रिवाइज करूँगा यूट्यूब लाइव पे, ठीक है। जिन जिन लोगों को जो जो टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है कुछ टॉपिक मुझे बता दीजिए, सारे तो पॉसिबल नहीं है और काफ़ी वीडियो पड़े भी हुए हैं, तो इसलिए आप मुझे जब बता दीजिए फिर हो जाएगा। और ऑफलाइन शायद 19 से स्टार्ट हो जाएगा, 19th, वैसे ऑफिसेज सब खुल रहे हैं लेकिन 19 से स्टार्ट हो जाएगा, 19th ऑफ जुलाई, मंडे से, ठीक है बेटा। और जिन लोगों को किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो मुझे व्हाट्सएप करिए। ऑल, टेक केयर, फिर मिलते हैं कल।